हेलो एंड वेलकम है आपका टूडेज की दुनिया में, जहां आपका होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त स्टार अद्भुत द प्राइड ऑफ इंडिया जो है वो इस साल रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस फिल्म के अलावा कई बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए हैं और अभिषेक दूधिया के डायरेक्शन में बन रही वॉर एक्शन फिल्म में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को दिखाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अजय देवगन के फैंस इस फिल्म का जो है वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि फिल्म के कुछ हिस्सों को अभी भी शूट किया जाना बाकी है। जी दोस्तों, फिर जो है इस फिल्म से ट्रेलर जो है वो जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन हम आपको आज इस फिल्म के सॉन्ग की शूटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सॉन्ग है सुभाष घई की फिल्म खलनायक के चोली के पीछे के गाने का रीमेक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिसकी शूटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें नोरा फतेही नज़र आने वाली है और बताया जा रहा है कि ये सॉन्ग जो है वो काफ़ी धांसू होने वाला है, जिसे हम इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद ही देख पाएंगे। अब इस सॉन्ग शूट होने के बाद अब इस फिल्म की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए प्रोडक्शन टीम एक ऐसे स्थान की तलाश में है जो उनकी सुरक्षा मांगों को पूरा करे। फाइनल शेड्यूल दिवाली के बाद पूरा करने की संभावना है। बता दें कि अजय देवगन के महीने के अंत तक अपने हिस्से एक्शन सीन्स को शूटिंग को भी पूरा कर लेंगे और बताया जा रहा है कि फिल्म से सभी किरदारों का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में अजय देवगन स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक की भूमिका में दिखाई देंगे। विजय कार्निक ने भारत की भूमिका निभाई थी। तो इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर एंटरटेनमेंट।